और क्या हाल है भाई साहब? सब ठीक? तो बात आज बुंदेलखंड के बा मुद्दा की, जो समाचारन और सुर्खियन में तो खूब रहो, और तो और खूब योजनाएं बना के सरकार ने तमाम वादे और दावे करे, लेकिन हकीकत क्या है वो आज आप खुद ही देख लो। कैसे के जा परेशानी इतनी बढ़ गई है कि अब लोगन ने सरकारी विभाग पे केस तक कर डारो है। नमस्कार, हमारा नाम है मोहित और अपन लेके आए हैं बुंदेलखंड की खबरन से जुड़ो खास तो सवाल बुंदेली लेके। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि बुंदेलखंड को नाम जब भी आत है तो पलायन से लेके बदहाल किसानी तक की बात करी जाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है पानी की। तमाम सरकारें आई और चली गईं, लेकिन यहाँ की कौनो प्यास नहीं बुझा सकी। सियासी समीकरण को देखें तो 2017 में बुंदेलखंड ने सारी सीटें भाजपा को जिता दी, यहाँ तक कि 2022 में भी 19 में से 18 सीटें भाजपा ने जीती, लेकिन हालत का है अब वो आप खुद देख लो। कैबे को झांसी स्मार्ट सिटी कही जाते है, लेकिन इतने पे कई इलाके ऐसे हैं जितने पे आज तक पानी नहीं पहुंच सका है। यहाँ के बंगला घाट इलाके में ऐसी ही एक स्थिति है, यहाँ पे 10 साल से पानी नहीं पहुंचा है। यहाँ तक कि पूरे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ एक ही नल बचो है, जितने पर पानी भरवे के लाने घर वाले को सुबह से जद्दोजहद करने पड़ा थे। जब आप इतने पहुंचोगे तो सुबह से डब्बा लेके लोग आपको नल की तरफ जाते हुए दिख जाए। जब हमने इतने की लोगों से बात करी तो उनने बताई कि रोज सुबह 2 घंटा पानी भरवे में चलो जाते, 20 डब्बा रोज भरने पड़ते, तब पूरे परिवार को लाने पानी पर्याप्त हो पाते। तो होते ही एक और आदमी ने बताया कि कई बार तो धक्का मुक्की और भीड़ के कारण कई लोग चोटिल तक हो जाते, जाके बावजूद भी अधिकारी या समस्या की ओर ध्यान देवे को राजी नहीं है। हमारे क्षेत्र में पानी की बहुत ही गंभीर समस्या है, और जो है तो किसी भी मौसम में पानी नहीं आता है। यहाँ पर पाइपलाइन भी नहीं है, बरसों से हम देख रहे हैं यहाँ पाइपलाइन कोई नहीं है, और नल का बिल बराबर आ रहा है। फिर आप लोगों ने क्या किया? हमने कोर्ट केस किया है 2020 में, तो वो अभी जो है तो वो स्थाई लोग अदालत स्थाई अदालत बैठ नहीं रही है, तो अब उसको हम ट्रांसफर करेंगे या भुगतत अदालत में करवाएंगे। केस के बाद क्या पोजीशन आई? केस के बाद भी कोई सुनवाई नहीं है, वो तो बिल बराबर भेजते रहते हैं, पानी नहीं देते। पानी है ही नहीं, नल से अपना पाइपलाइन है ही नहीं, तो देंगे कहाँ से? बताइए, आपके मोहल्ले में पानी की समस्या कितने सालों से थी? इसको मेरे घर से 17-18 साल करीब। फिर क्या किया आप लोगों ने? फिर मुख्यमंत्री को लिखा, आजम खां को लिखा था, अखिलेश को लिखा था, सुनवाई कुछ नहीं। कमिश्नर को लिखा था, डीएम को लिखा था, मुख्यमंत्री को लिखा था, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। जब मुकदमा मजबूरन में करना पड़ा। कितने मुख्यमंत्री बदल गए थे, आपकी समस्या दूर नहीं हुई थी? 2 मुख्यमंत्री बदल गए। अच्छा, फिर क्या किया आपने आखिरी में? फिर हमें इसमें जाना पड़ा फोरम में, मुकदमा किया। हाँ, मुकदमा। अब क्या पोजीशन है? अब यह है कि अभी फिलहाल काम चल रहा है। या गर्मियों में दिक्कत होगी पानी? गर्मियों पर 100% दिक्कत होगी। इतने तक तो चलो बात हती कि पानी नहीं आ रहा, लेकिन गड़बड़ जा हती कि पानी ना आवे पे भी बिल बराबर लोगन को जल संस्थान की तरफ से दौ जा रहा हो। तो अब जा बात पे ऐसो लग रहा हो कि सरकार हर घर जल योजना तो बाद में, लेकिन हर घर बिल योजना तो पहले ले आइए। और तो और बिल भी सीधे 100-200 रुपया वालों नहीं, बल्कि हजारों रुपया को बिल लोगन को सीधो सीधो थमा दो जा रहा हो। तो बस फिर का लोग भी कितने मानवे वाले आते, तो फिर उनने तय रहवे वाले वकील गणेश खरे से सीधी बात करी और जल संस्थान पे ही केस कर डाला। बंगला घाट के कम से कम 20 लोग मेरे पास आए थे, जिनके हमने फोरम में मुकदमा दायर किया। उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पिछले 15 साल से पानी नहीं आ रहा है, और काफ़ी गरीब लोग थे, तो जनता की समस्या थी, तो उनको न्याय दिलाने के लिए हमने जो है उनके मुकदमे दायर करे। मुकदमे में 3 साल तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, तब माननीय जज साहब ने उनको व्यक्तिगत रूप से 88 अभियंता को तलब करा। 88 अभियंता पिछली डेट को न्यायालय में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया साहब कि पानी चूँकि चढ़ाई पे है, इसलिए उनके यहाँ कोशिश की जा रही है और पानी प्रदान कर दिया जाएगा। जितने जो बिल दिए गए हैं वो सब माफ़ कर दिए जाएंगे, और उन्होंने लिखित में ये दिया कि इनके बिल माफ़ कर दिए गए हैं, और लगभग 5 घरों में उन्होंने पानी पहुंचाने का भी आदेश दिया था जो कोर्ट में लगा हुआ है। उसके बाद जनवरी की इस समय डेट लगी हुई थी, जनवरी तक लगभग सभी घरों में पानी पहुंच जाएगा। अब कोर्ट में तो जल संस्थान के अधिकारी ने कह दी कि पानी जल्दी पहुंच जाएगा, लेकिन कब पहुंचे जाके लाने? यूपी तक सीधे झांसी के जल संस्थान पहुंचे, जितने पे हमें का जवाब मिलो वो एक बार आप खुद सुन लो। यहाँ कुछ लोगों ने पानी की समस्या को लेकर एक मुकदमा कर रखा था, क्या है मामला?
प्रकार महोदय, मैं आपको बताऊँ, ये बांग्ला घाट पे हैं, कुछ परिवार ऐसे थे कि जिनके यहाँ पानी की दिक्कत थी और वो यहाँ से, क्योंकि उनके जल संयोजन थे तो पानी का बिल लगातार जा रहा था, तो उन्होंने उपभोक्ता फोरम में अपने एक बात दायर किया और उनका कहना था कि जब हमको पानी नहीं मिल रहा तो हमें हमारे जो है बिल भी माफ़ किया जाए। तो उसको संज्ञान लिया गया और संबंधित स्थल का हमारे सहायक अभियंता और वनता द्वारा निरीक्षण किया गया और निरीक्षण में पाया गया कि हाँ, वास्तव में वहाँ समस्या है। तो वहाँ से पाइपलाइन विस्तार करके उनकी समस्या का हल किया गया और वर्तमान में उनको पेयजल प्राप्त हो रहा है। और साथ ही जैसे उपभोक्ता फोरम न्यायालय का जो माननीय न्यायालय का जो आदेश था उसके अनुसार जब तक पानी नहीं मिला उनका बिल भी वो उस अवधि का जो है माफ़ कर दिया है। बाकी अभी जानकारी में है कि कुछ लोगों को अभी भी कम प्रेशर पर पानी मिलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे झांसी नगरीय क्षेत्र में अमृत पेयजल मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे संपूर्ण झांसी के लिए एक पेयजल योजना संचालित है, उस पर काम प्रगति से चल रहा है। जैसा कि उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि अगले 30 जून 2023 तक ये योजना कंप्लीट हो जाएगी, तब उसके बाद ये जो प्रेशर की समस्या है या कम पानी मिलता है ये दूर हो जाएगी। अब अधिकारी ने दावा तो कर दो कि प्रयास करो जा रहा है, लेकिन जो कब तक मुमकिन होते जो अब देखने वाली बात है। लेकिन सालन से बुंदेलखंड की प्यास बुझावे के लाने तमाम वादे किए गए, इन तमाम दावों की पोल गर्मी में आकर बिल्कुल की बिल्कुल खुल जाते हैं। जब आर लक्ष्य 2023 तक हर घर जल पहुंचावे की योजना रखी गई है, तो जो अब देखे वाली बात है कि तब तक का कुछ निकल कर सामने आते हैं। तो ये खबर भेजी थी झांसी से हमारे सहयोगी अमित श्रीवास्तव जी ने। अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई समस्या है जनहित से जुड़ी हुई तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। इसके साथ ही अगर आपको हमारा शो सवाल बुंदेली अच्छा लगा है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। तब तक कल फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।